प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इसमें मौजूद है हम हुजूर के टीएमसी स्कूल के जो डाटा सेंटर है वहां पर मौजूद है। पिछले दिनों जो है एनसीपी के नगर सेवक सानू पठान ने मुमरा शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को लेकर एक आंदोलन किया था, जिसमें कई सीसीटीवी फुटेज वहां पर बंद पड़े हुए थे। इनके आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है सीसीटीवी जो वहां बंद पड़े थे उसे चालू किया गया है। और आज नगर सेवक सानू पठान जो है यहाँ डाटा सेंटर पे आए थे कि मुमरा शहर के कौन से सीसीटीवी कैमरे अभी बंद है और कौन से सीसीटीवी को चालू किया गया है। बहरहाल यहाँ पर आने के बाद एक चीज की जानकारी और सामने आई है कि एक संस्था है, जो उस संस्था ने भी दावा किया है कि मुमरा शहर में सीसीटीवी जो है वो संस्था ने लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर सेवक निधि से जो टीएमसी के कैमरे लगाए गए थे तो वो कैमरे कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और नगर सेवक सानू पठान आज यहाँ पर डाटा सेंटर में आए हुए थे, तो सानू भाई आज यहाँ पर आप आए हैं, एक संस्था ने भी दावा किया है कि उन्होंने भी कैमरे लगवाए थे और टीएमसी के कैमरे फिर कहाँ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने के बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत के मार्गदर्शन में जितने कैमरे बंद थे वो चालू कर दिए। ऐसी कॉरपोरेशन ने जब चालू की तो 149 कैमरे लगाए थे, उसमें से 12 कैमरे बंद है और 6 कैमरे का लोकेशन किसी गटर में दे दिया गया, ऐसा करके बोले मुंह मोड़ दिया गया, तो ऐसा 18 कैमरे अभी बराबर वर्किंग में नहीं है और 12 कैमरे 8 दिन से 15 दिन के अंदर ला दिए जाएंगे। साथ ही में हमने ये सारे कैमरों का वर्क रूम में चेक करने के लिए जो विद्युत विभाग था उन्होंने कहा कि हमने सारे कैमरे आपके आंदोलन के बाद चालू कर दिया, आके चेक कर लीजिए, 18 कैमरे छोड़ के बाकी सारे कैमरे चालू है, ये हमने देखा। कितने कैमरे अभी बंद है? 18 कैमरे 12 6 कैमरे का लोकेशन नीचे गटर पे और 12 कैमरे बंद है जो हमने 15 दिन में हम लाएंगे, ऐसा विद्युत विभाग ने कहा। लेकिन प्रश्न एक नया खड़ा हो गया कि ये जो 149 कैमरे जिसमें से एक संस्था ने महिला दिवस पे 146 कैमरे डोनेट करी थी ऐसा उन्होंने कहा है, मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा हूँ और मीडिया के माध्यम से सुना भी हूँ, तो दो प्रश्न उठते हैं। एक के अगर उन्होंने 146 कैमरे दिए तो लोकेशन यहाँ पे कैमरे 300 के लगभग कैमरे दिखना चाहिए थे, वो यहाँ दिख रहे नहीं, यहाँ पे 137 कैमरे वर्किंग में दिख रहे, तो ये कॉरपोरेशन ने अगर प्रोडक्ट सुधारना निधि से कैमरे लगाए तो जो महिला दिवस पे कैमरे डोनेट किया गया था कॉरपोरेशन वो कैमरे का है, मतलब मुमरा कोसा के 300 कैमरे चलना चाहिए ना, 149 और एक 146, लगभग 300 कैमरे पूरे शहर के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 137 कैमरे अभी हमको दिखाए गए, तो हमने ये मैंने आज माननीय कमिश्नर साहब से और ये कंप्लेंट किया और मांगनी किया हूँ कि अगर वो संस्था ने कैमरे दिया है तो ये बोला जाए कि उस संस्था ने दिया है और एक कैमरे दिखा के दो बिल तो नहीं निकाले गए, मतलब एक कैमरा किसी और से लिया गया बिल किसी और ने दिया, यानी आप भ्रष्टाचार की तरफ। भ्रष्टाचार का मैं नहीं कहता हूँ, संस्था कह रही है कि हमने दिया है और अगर उन्होंने दिया है तो फिर वो कैमरे का है और अगर वो ये कैमरे तो प्रभाग सुधारना निधि के कैमरे का, लेकिन कॉरपोरेशन के विद्युत विभाग बोलती है कि कैमरा प्रभाग सुधारना निधि के, तो अगर प्रभाग सुधारना निधि के कैमरे है तो ये कितने नगर सेवक को कितने अमाउंट का ये जो 5-5 लाख रुपए हर नगर सेवक से लिया गया, 5-5 लाख रुपए, तो एक करोड़ों का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं। किसी संस्था ने अगर डोनेट किया है तो कॉरपोरेशन को मालूम नहीं है या कॉरपोरेशन ने वो कैमरे के 300 कैमरे का लोकेशन नहीं, तो साफ बात है दो चीजें, या तो संस्था ने डोनेट किया है तो उसका लोकेशन दिखना चाहिए, या तो फिर नहीं है, या तो फिर प्रभाग सुधारना निधि के कैमरे, इसकी मांग करके अगर इसमें कुछ भी घोटाला मालूम पड़ा तो संबंधित अधिकारी के ऊपर सस्पेंड करके ऊपर एफआईआर दाखिल करना चाहिए, ऐसी मैंने मांग की। आपने कभी लेटर वगैरह दिया है मनपा? लेटर दिया, मैं आपको अभी लेटर दे रहा हूँ, कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपलिटी और पुलिस कमिश्नर ऑफ थाने दोनों को लेटर दिया, मैं अभी आपको लेटर दे रहा हूँ। क्या मांगने की लेटर? यही मांगने की हूँ कि अगर ये कैमरे उन संस्था ने लगाए तो क्या बोल रही टीएमसी ने कैमरे लगाए, अभी आपके सामने इंजीनियर ने बोले ना, आपके सामने आप भी तो थे इस्लामुद्दीन भाई, उन्होंने कहा कि ये कैमरे 149 में से 12 बने बाकी कैमरे चालू है। किसके कैमरे अभी फिलहाल है? ये टीएमसी बोली हमारे कैमरे, ये सामने आपके बॉर्डर में ना, तो ये कैमरे टीएमसी के बराबर है, इसे डोनेट किसने किया है? सवाल ये उठता है, अगर महिला दिवस पे सुरक्षा ने की डोनेट किया गया है तो फिर ये कैमरे की नीति क्यों ली गई?
नहीं तो अगर ये निधि मुमरा प्रभाग समिति की कैमरे की है, प्रभाग सुधारने निधि की, तो मामला मतलब है कि किसी ने डोनेट नहीं किया साहब। और आपके मैंने कमिश्नर साहब से ये मांगनी भी किया कि थाना के अंदर जो ये सेव है, ये एक हफ्ते का डाटा है, उनको तुरंत 3 महीने से 6 महीने का डाटा सीबीआर बनाया जाए। और ये जितने 149 कैमरे, उसका एक वॉर रूम मुमरा प्रभाग समिति के अंदर करा जाए, ऐसी मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय में, ऐसा मुमरा प्रभाग समिति के अंदर वॉर रूम का कार्यालय बनाया जाए, जिसके लिए कॉर्पोरेटर लोग निधि देने तैयार है। और नहीं तो माननीय कमिश्नर साहब वो अपने थाने महानगर पालिका की निधि से वहां मुमरा प्रभाग समिति में वॉर रूम बनाए, ताकि मुमरा कौसा का अपडेट या क्राइम होता है तुरंत हमें उसके बारे में जानकारी मिले। बंद कैमरे हैं, ये कब तक सुधारे जाएंगे कुछ जानकारी? 15 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ये 18 कैमरे भी सही हो जाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो नगर सेवक शानू पठान है वो यहाँ डाटा सेंटर पर आए हुए थे कि जो कैमरे बंद है, और खास तौर पर इसमें जो एक भ्रष्टाचार की बात भी नगर सेवक शानू पठान ने कहा है कि अगर ये कैमरे डिलीट किए गए थे तो फिर निधि से पैसे 5-5 लाख रुपया जो लिए गए वो कहाँ गए? यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से 149 कैमरे मुमरा शहर में लगने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उनके डोनेशन डोनेट करने की वजह से कहीं ना कहीं कैमरों की संख्या जो बढ़कर 300 बताई जा रही है, लेकिन मुमरा शहर में 300 कैमरे नहीं है। और इस पर जो है शानू पठान ने आवाज उठाई थी, और अब जो मुमरा शहर में कैमरे बंद है उन्हें भी जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। और इसमें जांच की भी बात की है, मनपा कमिश्नर को लेटर भी दिया है कि आखिर इतने कैमरे कैसे यहाँ पर मुमरा शहर में बताए जा रहे हैं, और इसकी पूरी जांच की मांग की। कैमरा मैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स मुमरा।